आपका परिचय देना इस समय में उचित नहीं समझता, क्योंकि ये सब आपसे बहुत भली बात ही आप जानते हैं। दूसरे मंच पर विराजमान है श्री महेश जी ओझा साहब, ये राजस्थान पत्रिका में संपादक पद पर 20 साल तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। पत्रकार हैं, अच्छे शायर भी हैं। आपके कलाम हमें सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। हमारे बीच आपको पा करके बहुत धन्य हुए। आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत और आभार। श्रीमती बीना शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं, जो यही स्थानीय आश्रम में विराजमान हैं। आप भी लेखनी की धनी हैं, काव्यकरण से जुड़ी हुई हैं। महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आभार। श्रीमान हंसराज जी चौधरी हमारे बीच हैं, समय समय पर आप आशीर्वाद दे रहे हैं, यहाँ पधारते रहते हैं। आप पास ही में नवग्रह आश्रम के संस्थापक हैं, उसके अधिष्ठाता हैं। पीड़ित मानवों की सेवा करना आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। आपके सेवा कर्म को हम प्रणाम करते हुए आपका यहाँ हृदय से अभिनंदन करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं माल्यार्पण हेतु निवेदन करूं, पहले हम माँ शारदा को माल्यार्पण करें और दीप प्रज्वलित करें। श्रीमान आदरणीय योगेंद्र जी शर्मा साहब और सभी आगंतुक महानुभाव पधारे और माँ सरस्वती का पूजा अर्चन करें, पुष्पांजलि अर्पित करें। स्वयं ही प्रस्तुत कर रहा हूं। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। सारे संगीत समारे रागों में आभास तेरा, तू सारे संगीत समारे रागों में आभास तेरा, साजों की आवाज तुझी से सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी तेरी सरगम, इनको और खिला देना, मेरे सिर पर हाथ
हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, ग्रंथों के हर पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है। कलम थाम कर तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तेरी कृपा से कला निखरती, तेरी कृपा से कला निखरती। रंग खिले तस्वीरों में तू सतरंगी जीवन करती, रंग भरे तकदीरों में, रंग भरे तकदीरों में। जग में ऊंचा नाम रहे माँ, ऐसी युक्ति लगा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। जब जब बोलूं कोई वाणी, अमृत की बोछार लगे। जब जब बोलूं कोई वाणी, अमृत की बोछार लगे। मधुर वचन हो मन को पाए, वीणा की झंकार लगे, वीणा की झंकार लगे। कंठ बसो हे मात सार दे, मीठे बोल सिखा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। जैसा आदेश हुआ है, आदरणीय योगेंद्र जी शर्मा साहब ऊंच के सशक्त हस्ताक्षर हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत आपकी रचनाएं रक्त में जोश भर देती है। हमारे महाविद्यालय की एक छात्रा की हार्दिक इच्छा है कि वो देशभक्ति का कोई गीत प्रस्तुत करे, उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करें। शर्मा को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आकर के अपना गीत प्रस्तुत करें। नगमा नगमा सुनाएगी नगमा। दुश्मनों से मिलो, दुश्मनों
रे दे दिए नौजवान सोच कर और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों मातृभूमि का दिल तुम नहीं तोड़ना, देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ना, मरना जीना तुम्हें इस वतन के लिए, फर्ज अपना निभा दे पावन के लिए। नाज तुम पे करे ये जमी आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। देश के नाम अपनी जवानी लिखी, ये जवानी है क्या जिंदगानी लिखी, बस यहाँ तक कि हमने कहानी लिखी, अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां, अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां। फर्ज कर दो अदा ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। चेंज कर रहे हैं, क्यों ने शुभारंभ सरस्वती की कृपा से ओतप्रोत हमारे बीच में मैडम बैठी हैं श्रीमती वीणा शर्मा, ओपनिंग बैट्स बैट्समैन के रूप में बैट्स वुमन गए हैं। वो तो हमारे बीच में है, सुनते ही रहते हैं, बहुत प्रतिभा की धनी है लड़की, बहुत अच्छा गाती है। मैडम सादर आप आमंत्रित पधारे और अपने कविता से अपने बड़ी बात है, बड़ी बड़ी मशीनों और शल्य चिकित्साओं के आधार पर तो
कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन पुरातन जो हमारी सभ्यता है आयुर्वेद, उसके आधार पर ये सब करना, लाइलाज रोगों का इलाज करवाना, ये बड़ी बात है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ भाई साहब को और आपका स्वागत। मैं अलग अलग रसों में लिखती हूँ और आप लोग तो पहली बार ही मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं आसीन में नहीं थी, मगर अब मैं 1.5 साल से ही हूँ। हमारा यहाँ फैक्ट्री है उसी अनुसार 23-24 साल से शुरू करती हूँ अपने, जिस तरह का मैं लिखती हूँ पढ़ती हूँ कि कर्म कर किस्मत बना, कर्म कर किस्मत बना तेरे हाथ जब अधिकार है, कर्म कर किस्मत बना तेरे हाथ जब अधिकार है, बोल तेरी इस दशा का कौन जिम्मेदार। जिम्मेदार वाह। क्योंकि हो कैसे भी हालात, हो कैसे भी हालात, कमर कस के लड़ो जमकर, हो कैसे भी हालात, सबके अनुकूल नहीं होते हैं हालात, बहुत कम लोग हैं जो जन्म से अनुकूल हालात लेकर पैदा होते हैं, प्रतिकूल अवस्थाओं में सफलता प्राप्त करना यही असली जीत होती है। हो कैसे भी हालात कमर कस के लड़ो जमकर, कि जिंदगी में कुछ नहीं है जिंदगी से बढ़कर। हो कैसे भी हालात कमर कस के लड़ो जमकर, कुछ नहीं है जिंदगी में जिंदगी से के लिए भी मैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं है हमारी नजरों में, हमारे लिए सब एक बराबर है।
हम तब निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, जब हम स्वयं इस बात को स्वीकार करें, दूसरों के कहने से नहीं होता है कि तू कमजोर है। जब तक आपने स्वीकार नहीं किया तब तक वो आपका सत्य नहीं है, वो उसका सत्य है। ठीक है, मैं चार पंक्तियां नगमा को देती हूँ। जरूरत है अपने आप को पहचाने की, दूसरों के वैलिडेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य की तू है किरण, अपनी जलन महसूस कर, किसी और की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तू अगन की है लपट, अपनी तपन महसूस कर। सूर्य की तू है किरण, अपनी जलन महसूस कर। तू अगन की है लपट, अपनी तपन महसूस कर। तू धारा जैसी सबल है, ब्रह्म की जननी है तू। तू धारा जैसी सबल है, ब्रह्म की जननी है तू। अपनी शक्ति अपनी क्षमता का गगन महसूस कर। अपनी शक्ति अपनी क्षमता का गगन महसूस कर। सूर्य की तू है किरण, अपनी जलन महसूस कर। स्त्री को अपने आप की शक्ति और पुरुष को भी अपनी शक्ति अपने आप ही पहचानने की आवश्यकता है। तुम गति चाल की नापते रह गए, तुम गति चाल की नापते रह गए, पर मेरी कोशिशें तो उड़ानों की हैं। तुम गति चश्मा उतार कर उसने सभी को परखा, सिक्का उछाल कर के देखा नहीं। चश्मा उतार कर और उसने सभी को परखा, सिक्का उछाल कर। कि उसने निभाई दुश्मनी, उसने निभाई दुश्मनी, खंजर भी मार, उसने निभाई दुश्मनी खंजर भी मारकर, और उसने निभाई दोस्ती खंजर निकाल कर। उस पर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
शहीद क्या होते हैं, शहीद कौन होते हैं? सिर्फ युद्ध में लड़ते हुए वहाँ गोली खाकर मर जाना या बम से चित्र हो जाना, देश के लिए जो अपना बलिदान देते हैं वो शहीद होते हैं। और उनकी क्या हैसियत है शहीदों की, हम में शहीदों में क्या हैसियत? वो मर कर भी नहीं मरते, अजब सी उनकी हस्ती है। कई कई समय पहले मरे हुए लोगों को हम आज भी याद करते हैं और हमारी पीढ़ियां करेंगी, क्यों करेंगे? वो मर कर भी नहीं मरते, अजब सी उनकी हस्ती है। शहादत की अमर राहों में जिनकी जान बसती है। तिरंगा दौड़ पड़ता है कलेजे से लगाने को। हम कौन होते हैं उन्हें तिरंगा देने वाले? वो तो अधिकारी हैं, वो स्वयं ले अपनी अधिकार उसको सिद्ध करते हैं। हम उन्हें तिरंगे में लपेट कर भेजने की हमारी कोई योग्यता ही नहीं। वो मर कर भी नहीं मरते, अजब सी उनकी हस्ती है। शहादत की अमर राहों में जिनकी जान बसती, तिरंगा दौड़ पड़ता है कलेजे से लगाने को। उन्हें आगोश में लेने को खुद गंगा तरसती है। उन्हें आगोश में जलकर चिताओं में भी जिंदा रही जवानियां। वो कोख वो आंचल है धन्य जिसमें वो पले बढ़े। वो कोख वो आंचल है धन्य जिसमें वो पले बढ़े। वो दूध धन्य है रगों में करता जो रवानियां। उनके उन जन्म देने वालों को प्रणाम करती हूँ, उनके परिवार जनों को प्रणाम करती हूँ। कितना कड़ा कलेजा, इतना बड़ा कलेजा रखा कि अपने घर के मोती को वहाँ दान कर दिया उन लोगों के लिए जिन्हें हम तो कह हमें वो पहचानते नहीं थे, हम उन्हें पहचानते हैं। मैं नमन करती हूँ शहीदों को, मेरा इच्छन है वो पढ़ना चाहती हूँ शहीदों के लिए।
लव प्यार दाएं तन्हाई में सिसकती है, चुंदड़ी के पल्ले मुंह में ठूस ठूस सोई है, और आंखें तरसी है जब भाई का मुंह देखने को, बहने मूर्ति को राखी बांध बांध रोई है, आंखें तरसी है जब उस घर का माहौल क्या होता होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि यहाँ कोई बैठा है जो किसी भी वीर, किसी भी शहीद, किसी भी फौजी के परिवार का है, तो मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो कुछ खास होते हैं, बिरले ही होते हैं। और अभी है समय मेरे लिए या कि मैं अभी यहाँ, बस क्योंकि समय सीमित ही है, कुछ एक पंक्तियाँ युवा पीढ़ी के लिए पढ़ देती हूँ। कि दूर दूर मशहूर मेरा अफसाना कर देगा, दूर दूर मशहूर मेरा अफसाना कर देगा, दूर दूर मशहूर मेरा अफसाना कर देगा, तू मुझको देखेगा और दीवाना कर देगा। पर हाँ, आप लोगों की भी तो बात करनी चाहिए ना। नहीं, बिलखते दिल का ये रूदन सुनाई क्यों नहीं देता, ये हुई ना बात। बाबा इधर से भी चल रहे तो उधर से भी चल रहे, ये हुई ना बात। मैं बाबा करती हूँ आपकी बाबा पर। बिलखते दिल का ये रूदन सुनाई क्यों नहीं देता, लहू आँखों से बहता भी दिखाई क्यों नहीं देता, जमाना मार डालेगा बता कर इश्क का मुजरिम, जमाना मार डालेगा बता कर इश्क का मुजरिम, नहीं है बेवफा तो फिर सफाई क्यों नहीं देता। वो मेरे दर पे बड़ी आस लिए बैठा है, आदरणीय महेश जी साहब बहुत अच्छी शायरी के लिए विख्यात है, मैं उन्हीं की समर्पित कर रही हूँ सर। वो मेरे दर पे बड़ी आस लिए बैठा है, वो समंदर है मगर प्यास लिए बैठा है, उसकी फितरत नहीं कि यूं ही बिछा दे दामन, उसकी फितरत नहीं कि यूं ही बिछा दे दामन, कोई तो जख्म वो भी खास लिए बैठा है। वो मेरे दर पे बड़ी आस लिए बैठा, मेरे ख्याल से अब आपको क्या बात है, पीछे सुख बुगाड़ शुरू हो गई है। चार पंक्तियां आप लोगों के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ। वो पुष्प मगर तुम में कटारों से धार है, किसी के गुण, किसी की विशेषताएं, जो परम विशेषताएं किसी को पता नहीं। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी, ऐसे ही बैठकर कभी कक्षाओं में, क्लासेस में बैठे होंगे, शिक्षाएं ग्रहण की होंगी, जो आज बहुत उच्च पदों पर बैठे हैं वो कभी विद्यार्थी ही रहे।
क्योंकि ये भविष्य के बड़े लोग हैं। हम पुष्प मगर तुम में कटार उसी धार, इस देश के भविष्य का तुम पर ही भार है। मर कर भी चुकाना पड़े तो चूकना नहीं, मर कर भी चुकाना पड़े तो चूकना नहीं, इस देश के भविष्य का तुम पर जो भार है, इस देश के भविष्य का तुम पर जो भार है। हो पुष्प मगर तुम में कटारों सी धार है। चलिए फिर कभी मिलेंगे, मैं यही आसीन की कवित्री हूँ, सब मिलते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जोर शोर से सुनाओ। बच्चों में से कोई भी यदि कविता सीखने के लिए मुझसे संपर्क करना चाहे तो बिल्कुल निश्चित रूप से करें, और वीणा शर्मा सागर के नाम से आप मुझे सारे प्रोफाइल्स मेरे हैं, यूट्यूब है, सभी जगह पर है, फेसबुक है, आप वहां पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सबको सुने, शुक्रिया, और धन्यवाद विशेष रूप से तुम्हें, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी कविता पाठ आपने प्रस्तुत किया। समय याचना सहित मैं आपका विधिवत स्वागत माल्यार्पण करके नहीं करा पाया प्रारंभ में, अपनी भूल सुधारते हुए मैं सेन साहब और विनय जी से निवेदन करूँ मंच पे आए, और परम आदरणीय योगेंद्र जी शर्मा का माल्यार्पण एवं शाल उड़ाकर स्वागत है। आदरणीय HOD सर श्रीमान जसवंत जी से निवेदन करूँगी मंच पर बता रहे, और हंसराज जी चौधरी को माल्यार्पण करें, साथ ही राधेश्याम जी आए और शोर उड़े। आदरणीय उपाचार्य संघर्षण जी से निवेदन करूँ पढ़ा रहे, और श्रीमान महसी ओझा का स्वागत करें। राहुल जी आए माल्यार्पण करें। निवेदन करूं मनीषा मैडम से पधारें और माल्यार्पण करें श्रीमती वीना शर्मा का। साथ में एक मैडम और आए, कविता मैडम दिख रही है, कविता मैडम आए, सोल उड़ाकर स्वागत करें। विधिवत स्वागत के उपरांत उन्हें अपने क्रम को प्रारंभ करें, मैं बहुत ही सम्मान से आमंत्रित करता हूं श्रीमान हंसराज जी चौधरी को, जो नवग्रह आश्रम के संस्थापक हैं,
मानवता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और हमेशा हमारे महाविद्यालय के लिए आतुर बहुत बहुत स्वागत के साथ आदर के साथ श्रीमान चौधरी साहब। सर्वप्रथम मैं मेरे परमादरणीय दादा को प्रणाम करता हूँ। आज वास्तव में अपन लोग भाग्यशाली है कि ओज के लिए पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी अगर हिंदुस्तान की बात अगर होती है तो दादा की बात होती है, योगेंद्र जी शर्मा की बात होती है। और चूँकि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, मेरे सिर पर इनका हाथ है, ओझा साहब कलम के धनी हैं वास्तव में और बहुत तलवारबाज आदमी हैं। हकीकत करो धारदार, जिसको धारदार कहते हैं वो धार है। दीदी ने बहुत अच्छा किया और एक सबसे अच्छा काम जो दीदी ने किया वो ये किया कि दुकान होती है ना कपड़ों की, उसमें क्या कहा आपकी नज़र जिस कपड़े पे जाके टिकती फिर वो दुकानदार समझ जाता अगर उसमें अक्कल है थोड़ी बहुत, फिर वो थान डालना शुरू कर देते हैं। और फिर थोड़ी आपकी चॉइस को भी कहता हाँ बिल्कुल सर, लोगों को पता है कपड़े का पता ही नहीं है, वास्तव में आपको समझ के कपड़े और ये आपने जो पसंद किया था, तो आप एक शब्द पे आपके चेहरे पे मैं रौनक देख रहा था। नहीं होनी भी चाहिए, तरुणाई है, ये तरुणाई जो शब्द है वो यू मरा हुआ शब्द नहीं है, मतलब लल्लूपन जो शब्द नहीं है तरुणाई। तरुणाई जो है वो अगर हो तो वो कहीं एक्टिंग में है तो कोई मतलब नहीं है उसका, वो अगर हो तो रियली तरुणाई के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा पहले समझा दूं, वो तरुणाई किसी काम की नहीं है अगर आपके नजर में आपके माता पिता के प्रति देवता जैसा भाव नहीं है। दो कोड़ी की तरुणाई है अगर आप अपने वरिष्ठजनों को, अपने माता पिता को, अपने चाहने वालों को, जो खास तौर से जो आपके लिए रिगार्डेबल है, उनका सम्मान आपकी नजर में होना चाहिए, तब वो तरुणाई काम की। शस्त्र है आपके पास, वेपन, आप सब लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, वेपन जो होता है, हथियार जो होता है, उस हथियार को सही समय पे इस्तेमाल करना ही हथियार है, उस हथियार की उपयोगिता है। जैसे मैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोगों के सामने, मैं किसान का लड़का हूं, मैं साइंस एग्रीकल्चर का स्टूडेंट, मैंने आयुर्वेदा योगा एंड पंचकर्मा में बाकायदा 57 साल की उम्र में संस्कृत पढ़ के, सुन रहे हो ना, संस्कृत पढ़ के और मैंने डिप्लोमा किया आयुर्वेदा योगा एंड पंचकर्मा। 57 साल की उम्र में संस्कृत पढ़ना, पूरा कोर्स योगा जो संस्कृत था। और हमारे साथ दादा आज चोट हुई जो बताऊं मैं आपको, उस समय क्या हुआ था, मतलब कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने आयुर्वेदा योगा एंड पंचकर्मा में डिप्लोमा के लिए अलग अलग फैकल्टीज होती है, तो उन्होंने कि भाई ये कोर्स भी अपन शुरू करते हैं। उसी बार ये होता है ना कि भाई बेसन ज्यादा होगी तो थोड़ी इसी करो पकौड़ी बना काटो, तो बेसन तो बढ़िया ही है, सेवा काट काटी है, थोड़ा पीजू तो बेसन कहीं करा मैंने, तो ये इसी करो पकौड़े बना काटो। तो वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने पकौड़े बनाई, तो उन्होंने क्या कहा, हिमाचल यूनिवर्सिटी के एक कोई के डॉक्टर के शर्मा करके थे, तो वो वहां का उनका जो सिलेबस था वो सिलेबस उन्होंने 5 लाख में उनसे खरीदा और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया। और वो सिलेबस 5 वर्षीय आयुर्वेद का जो कोर्स होता वो था, जो डिग्री कोर्स होता हुआ, ठीक है, उनको तो कुछ करना नहीं था। और हमारे जो विभाग अध्यक्ष थे वो डॉक्टर नित्यानंद जी शर्मा थे, तो उन्होंने भी उसको ज्यादा देखा नहीं। देखो चोट किसको कहते हैं जो बता रहा हूँ, उन्होंने साहब वो लागू कर दी। और मैं अगर मेवाड़ी में बात करूँ आप लोगों से, तो जिन आपको कहवा ना मुंशिया भाई, हमने भी फार्म भर दिया, पर चैलेंज था। मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूं, बेटा सुन लो ये बात काम आएगी, ये तुम्हारे पास में जो बैठा है ना दोस्त, ये कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा, और ज्यादा दिनों बात करोगे तो फिर दोनों यही रहोगे। मुझे वो सब चीजें आती है, गलतफहमी में मत रहो, मैं एक बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि तुम जिन परिस्थितियों से गुजरे हो ना उनको हमने रास्ते बना दिए, ऐसी समझ में। हाँ,
बिल्कुल टू द पॉइंट। तो वो जो कोर्स हुआ, सब सिलेबस आया, बुक्स आई, तो जो कुछ वैद्य थे जो आश्रम पर काम कर रहे थे, डॉक्टर नंद किशोर जी शर्मा और चित्तौड़ वाले जो CMHO रहे हुए वहाँ के, उन सबने कहा ये तो 5 वर्षीय कोर्स है। पर चैलेंज था ब्राह्मणों की श्रेणी के एक जो शास्त्री, जिन्होंने शास्त्री कर रखा था संस्कृत में, उनसे मैंने ट्यूशन की। उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी, मेरी उम्र मात्र 57 वर्ष थी। मैंने बाकायदा मेहनत की और 2300 लड़कों में सिर्फ 21 लड़के पास हुए थे उसमें, क्योंकि वो तो कोर्स ही ऐसे ही था। और मैं जब परीक्षा दे रहा था तो साफा धोती कुर्ता, और जब हॉल में परीक्षा के लिए बैठते थे तो ईमानदार से कह रहा हूँ, जो लेक्चरर थे, जो मतलब क्योंकि भीलवाड़ा कॉलेज में था एकदम, वो लोग ये कहते थे कि यार चौधरी साहब ये क्या हिम्मत कर ली आपने। मैं कि ये हिम्मत ही कर ली, और आप लोगों को बताऊं कि मैं उसमें से सबसे टॉप, जो सबसे ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ, इससे भी एक अच्छी बात और सुनो, जो प्रैक्टिकल एग्जाम थे, प्रायोगिक परीक्षा थी, उसमें डॉक्टर नित्यानंद जी ने मुझे कहा कि इन सब लड़कों के प्रैक्टिकल आपको ले दें। मतलब ये होता है मायदा, ये मादा होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को जो अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटना सीखो, मिटना जब तक नहीं करोगे, जिसको अपन कहते हैं ना इंग्लिश में सोफिस्टिकेटेड वाउ, ये आजकल का जो वाउ है ना, ये वाउ कहीं नहीं लेके जाएगा, यहीं का यहीं रखेगा। बच्चा क्या कर रहा है साहब आजकल, कैसा बच्चा वो माँ प्रज्ञा में बढ़ता है साहब। ये बात आप 5 साल पहले भी कह रहे थे साहब, बच्चा 3 साल से वो कहना सीख गया। समझ में आया, मतलब आप अपने टारगेट के प्रति जो आपका गोल है, और ताकत कितनी होती है आदमी में, आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे आप कविता के क्षेत्र में है, चाहे मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में हूं, ताकत वो होती है कि आप अगर लड़ने की हिम्मत रखिए। मेरी एक छोटी सी कविता है, मैं आप लोगों को पेश कर रहा हूं, ताकत क्या होती है। उस परमात्मा से, उस मोहब्बत से, उस प्रेमिका से, उस माँ से, उस पिता से, उस मित्र से, उस सहपाठी से, उन गुरुजनों से, किसी को भी आप अपनी उस रूप में मान सकते हैं। बहुत खुला, बहुत बड़ा कैनवास है, आप चाहे जो भी। कविता यूं है कि बेशक मैं एक कतरा हूं और तू समंदर है, बेशक मैं एक कतरा हूं और तू समंदर है, कर तेरी हिम्मत है तो मुझे मिटा के बता, कर तेरी हिम्मत है तो मुझे मिटा के बता, मैं तो मिट जाऊंगा इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि समुद्र बूंद बूंद से समुद्र बनता है, तो मैं तो मिट जाऊंगा इसमें भी कोई शक नहीं, मगर मुझे मिटा के फिर तू समंदर कहला के बता, बता तो समझ। समझ जब बूंद ही नहीं बचेगी, जिंदगी है ना दोस्तों, ठंडी माला ये दुश्मनी लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और फिर ये तो बुजुर्ग हैं, इनके पास तो बहुत सारे तरीके हैं। थोड़ा कोयने के लिए पानी मंगवा दे, मतलब पानी पी पी के, मतलब पानी पी पी ने बक ले था। ओके, एक भाषा का जो माधुर्य होता है, नहीं आनंद, एक तो जैसे कोई आवाज, चलिए शुरू करता है मैं, क्योंकि आज काव्य का वो दिन है, तो सबसे पहले मैं आपको केवल 5 मिनट आप लोगों के एक मोटिवेशनल उसके लिए लूंगा, उसके बाद में मेरी 2 कविताएं आपको, और वो जो मैडम ने जो थान दिखाया था आपको, हल्का सा लाल रंग का गुलाबीपन जो था, वो मैं भी दिखाऊंगा, है ना, मतलब उम्मीद जिंदा रखे आप। हाँ, चलिए, ये हंसराज है,
मजाक की बात नहीं करता हूं, ये हंसराज है। चलिए मित्रों, जिंदगी में जो गोल है, जो टारगेट है, वो ईमानदारी से कह रहा हूं, ये कभी कोई आसमान वाला तय नहीं करता, ये ऊपर से कोई तय नहीं करता, ना आपके पिताजी तय करते हैं, ना आपका समाज तय करता है, ना आपका कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन तय करता, ये आपको तय करना होता है। अब इसके मैं दो छोटे से उदाहरण बताना चाहता हूं, बहुत छोटे से उदाहरण है मगर खतरनाक, हिमालय से बड़े हैं। नंबर वन, जो लोग पशुपालन में समझते हैं, जानवर जो गायें हैं जो होती है अपने, मैं जब दादा मैं आपसे शेयर करूंगा ये बात, 78-79 में जब मैं सापरा पढ़ता था, उस समय पूरे भारत, सुनना बहुत बहुत गहरी बात बता रहा हूं, जब मैं सापरा पढ़ता था 78-79 में, उस समय मेरे विषय था पशुपालन, ठीक, और उस पशुपालन की किताब में भी ये लिखा था, और जनरली जो उस समय की जो जानकारियां थी, वो ये थी कि पूरे भारत में 36 नस्लें हैं देसी गाय की, कितनी, 36 देसी गाय। देसी गाय का मतलब जिसके कुंदड़ हो, जिसके नीचे कंटेन हो, झालरी हो, और नीचे की जो झालर है वो उसके मतलब पीछे के थन तक जाए, और पीछे भी कुब्बड़ हो, मतलब पिछले के दोनों पैर जो होते वो देसी, ये जो सपाट होती ना वो नहीं, वो होती है माँ, है मेरे मामा अंतर है ना मालूम, वही वाव। चलिए, नहीं मैं शाम तक इस वाव का 50 बार उपयोग कर सकता हूं जब तक कि आदत नहीं सुधर हो गई। चलिए, तो उस समय 36 नस्लें थी साहब इस देश में, ये कारण अलग है कि सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, कोई काट के खा गया, या लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या वो आर्थिक दृष्टि से ज्यादा ठीक नहीं थी, जो भी कारण था। अभी पिछले 3 साल पहले जब मुझे किसी एक अच्छे जानकार व्यक्ति ने बताया कि यार हंसराज क्या कर रहे थे, मैंने कहा ये औषधीय पौधे लगा रहा हूँ, तो उस समय तक शायद 3 साल पहले 300+ थे पौधे, जो कि आज की तारीख में वर्ल्ड का सेकेंड नंबर कलेक्शन है, विश्व का दूसरा नंबर कलेक्शन है, 457 प्रकार के औषधीय पौधे हैं वहां, कितने, 457। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं आप सभी लोगों को, अगर आप एक कोई लड़का यहां आए, ₹1 लाख उसका पुरस्कार है, वो 100 पौधों के नाम बता दे, क्यों नाम बताने पौधे नहीं लाने, नहीं बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने जब 457, तो उस समय 300+ थे सही, तो उन्होंने कहा ये तुम पौधे इकट्ठे कर रहे हो, गायें मर रही है, मतलब नस्लें खत्म हो रही है, उनका संरक्षण कौन करेगा। और मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और आप सब लोगों को मैं निमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, और हृदय से आमंत्रित करता हूँ, आप लोगों को खाना खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, विजिट करवाऊंगा, आप एक बार नवग्रह आश्रम आके देखिए, मैंने 22 नस्लें बची आज की तारीख में, कितनी, 22, उसमें से 17 नस्लें मैं इकट्ठी कर चुका हूँ। क्या बात करते हो, काम होता है, काम बोलता है, हंसराज नहीं बोलता, काम बोलता है। आज कौन से, अब मैं आपको संक्षेप से वर्णन बताऊं, महाराष्ट्र में सोलापुर, कोल्हापुर, लातूर के इलाके से खिलियारी लाना गाय की नस्ल का नाम है, ठेठ कर्नाटक से देवनी लेके आना, ठेठ आपका फाजिल का अबोर, वहां से सिंधी लेके आना, ठेठ आपके जूनागढ़ से गिर लेके आना, ठेठ आपकी एक नस्ल तो ऐसी है कि केवल 1500 गाय बची है, ये अपना रेवदर के आसपास का इलाका देवनी, उस नस्ल का नाम है, 12 सिंगा की तरह उसके सिंह होते हैं। मतलब काम जो होता है ना मित्रों, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आदमी की जो पूजा होती है वो काम से होती है। एक मैं चैलेंज तो नहीं कह सकता हूं, परंतु आपको देता हूं ये चैलेंज, स्वीकार करें, मजा आ जाएगा जिंदगी का। आप नेट पे जाना कभी, केवल हंसराज चौधरी बोलना, केवल हंसराज चौधरी बोलना, बस नाम ही काफी है, मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी जो प्रोफाइल है 4.8 स्टार है, नवग्रह आश्रम तो बहुत बड़ी बात है, वो तो मेरे से भी 10 गुना बड़ी बात है, पर केवल हंसराज चौधरी बोल के देखना नेट को, कभी गूगल को पूछना, उस मासी जी से, बुआ जी से, ये हंसराज चौधरी किस चिड़िया का नाम है, वो बता देंगे किस चिड़िया का। ये हंसराज चौधरी आपके पूरे हिंदुस्तान का गौरव है, पूरे इंडिया का प्राउड है। क्यों है,
मुझे तालियां नहीं चाहिए, मुझे चैलेंज चाहिए केवल के साहब हम आज ये चैलेंज स्वीकार करते हैं कि आज के 10 साल बाद 5 साल बाद एक लड़का कोई इस कॉलेज से निकलेगा, एक कोई मित्र निकलेगा, एक कोई बहन निकलेगी, एक कोई बेटी निकलेगी जिसकी रेटिंग 4.8 नहीं होगी 5 स्टार होगी। ये स्वीकार करें, ये स्वीकार करें। काम ये होता है, मतलब एक किसान का लड़का, एक जाट के परिवार में जिसने जन्म लिया, एक सामान्य सा प्रोफाइल वाला आदमी जो इतना बड़ा काम कर सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो सब फैसिलिटीज है, सही है ना? तो ये आप स्वीकार करें। जो आपकी पढ़ाई है 2 साल की, ये जो कोरोना पीरियड जो निकला है, निसंदेह मैं ईमानदारी से बात स्वीकार करता हूं क्योंकि मैं भी बाल बच्चे वाला व्यक्ति हूं, मेरे भी पोते पोती दोहते दोहते पढ़ते हैं, बहुत गिरावट आई है, कनेक्टिविटी टूटी है। तो मित्रों, बहनों, मेरी बेटियों, बहुत जरूरी है ये लोग महाराष्ट्र में जाकर ट्रैक्टर कंप्रेसर चला सकते हैं, ये किसी भी बस पे खलासी रह सकते हैं, मैं बिल्कुल खुले कह रहा हूं, ये किसी भी टैक्सी पे लोडी लोडियाना शहरगंज मसूदा विजयनगर आवाज लगा सकते हैं। परंतु बेटा, आप लोगों के लिए वो स्कोप भी नहीं है, बिल्कुल कमर कसनी है ज्यादा, क्योंकि आपकी जो एक जनरल जो एक ग्रासरूट लेवल जो है वो निश्चित रूप से कम हुआ है। और आप लोग भी सुन लो, जिसके 68% से ऊपर होंगे उसकी शादी 88% वाली लड़की से होगी, 33% वाले को लड़की नहीं मिलनी बेटा। हाँ, गलतफहमी में मत जियो, कम से कम मेरा जैसा बाप तो नहीं देगा, आई समझ में? चलो अब अपन आते हैं उस थान पे, गुलाबी थान पे। सबसे पहले मैं भाई साहब के श्री चरणों में मेरी बहुत पुरानी चिर परिचित रचना है, वो रचना मेरे दिल के बहुत करीब, इसलिए वो मैं आपको उनको कविता यूं है कि आदमी वही बात है कि आप में अगर ताकत है ना, मजनू कितने किलो का रहा होगा अंदाजन, मुश्किल से 50 पाउंड किलो। हाँ मजनू अपने दादाजी, और ग्रैंडफादर मतलब जो भी हुआ वाले हैं उनके ग्रैंडफादर, नहीं सच्ची बात। और लैला बहुत खूबसूरत थी ऐसा इतिहास भी बताता है, और लैला और मजनू को हुए कोई हजारों साल नहीं हुए, ये इसमें अपने श्रीगंगानगर में मजनू का किला, मतलब उसकी उनकी कब्रगाह वहां है मजनू की, यही इलाका था। ओके, उसकी हिम्मत थी मजनू की कि उसने इतनी खूबसूरत जो मलिका मतलब वहां का जो राजा था उसकी लड़की थी, बादशाह की लड़की थी, उससे वो मोहब्बत कर ली, उसने उसमें दम था। और किस्सा यूं कहता है, मेरी कविता से पहले मैं आपको थोड़ा सा जोड़ देना चाहता हूं, किस्सा ये कहता है कि जब नमाजी नमाज पढ़ते थे, नमाजी नमाज पढ़ रहे होते थे और मजनू वहां से जब गुजर रहा होता तो नमाजियों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये क्या मियां, बताओ आप हमारी नमाज में खलल करते हैं और आप हमारे सामने से होकर गुजर रहे। उसने कहा इसका मतलब आपका नमाज में ख्याल नहीं, मतलब आपका जो ध्यान है वो नमाज में नहीं है, वो आपको मुझे देखने में है, और मैं जिसको देखने जा रहा हूं करे में हिम्मत हो तो तू भी चल। ये है मोहब्बत, मोहब्बत ये इतनी ताकत चाहिए आपकी मोहब्बत में, डेंसिटी में, केवल एक नंबर मिल गया जिसमें मजनू हो गए। नंबर तो तुम बोलो, मैं मतलब कॉलेज प्रशासन को कहने में लिस्ट भी लगवा सकता, पर फिर हेलमेट चाहिए, फिर हेलमेट चाहिए। चलिए कविता शुरू करते हैं। नहीं ये लफाजिया नहीं है, ये जिंदगी की बात है बेटा, अपना एक गोल अच्छी होगा, टारगेट अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी से कह रहा हूं, और बिना योग्यता के बिना सफलता के, सही कह रहा हूं, दुनिया में कोई नहीं पूछता बाप की जमा पूंजी में कितने साल जिंदा रहोगे आप, मैं कन्नी राम जी का लड़का हूं, कब कितने साल तक कन्नी राम जी के नाम से कमा खाऊंगा, आप फलाने सेठ जी के लड़के हैं, आप फलाने अधिकारी की लड़की है, आप फलाने जो टीम का, जो भी, नहीं चलेगा काम, कैसे चलेगा, इतनी खुददारी चाहिए। कविता है कि नित नित क्या आना जाना,
नित नित का ये आना जाना मेरे बस की बात नहीं। नित नित का ये आना जाना, इसको मैंने बहुत बड़ा कैनवास दिया आपको। आप अपनी महबूबा के लिए कह दें, अपने श्रीनाथ जी के लिए कह दें, महावीर स्वामी के लिए कह दें, अपनी प्रेमिका के लिए कह दें, और अपने पिताजी और अपनी माँ के लिए कह दें। खुद बहुत बड़ा ब्रॉड कैनवास है, ठीक है। नित नित का ये आना जाना मेरे बस की बात नहीं, और दरबानों के रोग उठाना मेरे बस की। दरबान कौन? ये आज के जमाने में MLA, मंत्री, सांसद, ये दरबान है, ये चौकीदार है अपने अपने हिंदू चौकीदार की पदवी, और उनके रोग उठ रहे हैं अपन कौन फुट। नित नित का ये आना जाना मेरे बस की बात नहीं, दरबानों के रोग उठाना मेरे बस की बात नहीं। मैं अच्छा हूं या नुगरा हूं? नुगरा बहुत अच्छा शब्द है। मैं अच्छा हूं या नुगरा? नुगरा मतलब किसी काम का नहीं, या एहसान खरामोश जिसको उर्दू जबान में कहते हैं, कि मैं अच्छा हूं या नुगरा हूं दुनिया खुद पहचाने। मैं अच्छा हूं या नुगरा हूं दुनिया खुद पहचानेगी, और अपनी गलती आप छुपाना मेरे बस की बात नहीं। क्या इंटरप्रिटेशन करना यार, क्या किसी को क्या गलती हुई हुई बात खत्म। बोसो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सत्य बोलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती कि आपने पहले क्या कहा था। सत्य बोलने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। चलिए, कि नित नित का ये आना जाना मेरे बस की बात नहीं, दरबानों के रोग उठाना मेरे बस की बात नहीं, मैं अच्छा हूं या नुगरा हूं दुनिया खुद पहचानेगी, अपनी गलती आप छुपाना मेरे बस की बात नहीं। अगला शेर थोड़ा हाँ संभल के। इश्क मोहब्बत क्या होती है, इश्क मोहब्बत क्या होती है, क्या समझाऊं जाहिल को। इश्क मोहब्बत क्या, जाहिल कहते हैं जो बिना समझ में आया हुआ हुआ कर दे। इश्क मोहब्बत क्या होती है, क्या समझाऊं जाहिल को, और भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात। भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं। और देखिए पंच पंच सुनिए, बहुत बेहतरीन शेर है, शायद इस शेर के लिए मैंने ये कविता लिखी हो सकती। तू दाता है, वो आपकी प्रेमिका हो, आपकी माँ हो, आपका एटमोस्फेयर जो भी, तू दाता है, तू ही देता, तेरे दर पे बैठा। तू दाता है, तू ही देगा, तेरे दर पे बैठा हूं, और दर दर जाके शीश झुकाना मेरे बस के पास। किसकी गुलामी, और एक मैंने आप लोगों के टेस्ट के लिए जब मैं बैठा था तो मैंने मेरे पीए को बोला कि यार अभी मेरी जीवनी छपी है नवग्रह का अंश, हाँ जीव का जुझार हूं मैं। भाई आप लोग इतने बैठे हैं, मेरा ओपन चैलेंज है, आप में से किसकी जीवनी छपी हुई? मेरी छपी, हाँ हाँ। इससे भी आपको एक चैलेंज लेना चाहिए, यार ये आदमी सारा गांव का एक जाट है और इसकी जीवनी छप सकती है, और उसकी 1000 प्रतियां अब तक जा चुकी है, आपको भी दूंगा। मतलब एक चैलेंज है, क्यों नहीं हो। मतलब मैं एक ईमानदारी से बात करने वाला आदमी हूं, भाई शंकरन सर की जीवनी क्यों नहीं छपे, ओझा जी की क्यों नहीं छपे, आपकी क्यों नहीं छपे। इसलिए नहीं छपती, आपने टारगेट अचीव नहीं किया। आप चैलेंज स्वीकार कीजिए, क्योंकि जीवनी छपने के लिए उतना सामान चाहिए आपके पास। क्या लिखेगा चार, अमृता प्रीतम को कहा था इमरोज ने, अमृता प्रीतम जो राइटर है, आप में से अमृता प्रीतम का नाम कितने लोगों ने सुना? हाँ शाबाश, मतलब पूरी कॉलेज का परसेंटेज 0.3%। बहुत बड़ी राइटर है बेटा, अमृता प्रीतम को जरूर पढ़ना, और खास तरह से लड़कियों को तो मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं, अगर आपने अमृता प्रीतम को नहीं पढ़ा तो इसका मतलब समझ लो आपने नारी जाति को नहीं पढ़ा। जरूर पढ़ना, अमृता प्रीतम बहुत बेहतरीन राइटर है, मतलब वो गजलें भी लिखती है, वो कविताएं भी लिखती है, वो और कहानियां और उपन्यास तो उसके अद्भुत है। ठीक, तो बात कर रहे थे अपन के ये टारगेट क्यों नहीं हो, बताओ क्यों नहीं स्वीकार करें अपन उस चैलेंज को।
तो मैं आपके लिए वो थान निकाल रहा हूं। ये बहुत अच्छी कविता है। दादा मैंने मन से कविता लिखी मैंने पिछले दिनों, और जो मेरी इसमें जीवनी में कंवर जी मेघवंश ने उसको शामिल किया कि काम काज की आपाधापी खुद से किस दिन बात करो, खुद से किस दिन बात करो। समझ ना, बहुत आध्यात्मिक कॉन्टेक्स्ट में मगर आनंद भी कि काम काज की आपाधापी खुद से किस दिन बात करोगे, अगर मिलोगे खुद ही खुद से फिर किसका पश्चाताप। अगर मिलोगे खुद ही खुद से तो फिर किसका पश्चाताप करोगे। ये आप एक बार उतर के तो देखिए। आज सुबह दादा ने बहुत अच्छा शेर सुनाया था कि वो लोग हैं जो आंखें बंद करके खुदा का दीदार करते हैं। मतलब हम वो लोग, अपन सब वो लोग हैं, आप में होना चाहिए। अगला पहला शेर है कि क्यों अपने को हीन समझकर दीप बुझाकर बैठे हो, क्यों अपने को हीन समझकर दीप बुझाकर बैठे हो और जात धर्म से ऊपर उठकर कब प्रेम स्वरों का नाद करोगे। जात धर्म से ऊपर उठकर कब प्रेम स्वरों का नाद करोगे। और मुझे एक शेर याद आया जो आज सुबह मैंने लिखा था, ताजा ताजा गर्म गर्मा गर्म है दादा, कि बहुतों को काम सौंपा था, जिस जिस को सौंपा वो काम ले बैठा। मैंने तुझे किताब दी थी और तू हिजाब ले बैठा, मैंने तुझे किताब दी थी और तू हिसाब ले बैठा। ये मैं खास तौर से मेरी जितनी मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम लड़कियां, जितनी भी मुस्लिम समाज से हैं, मैं आपको आज कहने आया हूं एक पिता की हैसियत से, एक दादा की हैसियत से, मतलब दादा बा की हैसियत से, या एक मित्र की हैसियत से, बेटा इस षड्यंत्र में मत फंसना कोई। ये आप लोगों को अंगूठा छाप रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप कॉलेज नहीं जाओगे, आप एग्जाम नहीं दोगे तो आपके नाम के आगे पीएचडी नहीं लग सकता, डॉक्टर नजमा नहीं हो सकती। डॉक्टर नगमा होने के लिए उसको 14वीं पास करनी पड़ेगी, फिर पीएचडी करनी पड़ेगी उसको। इस षड्यंत्र में मत फंसना, ये बहुत गहरी बात है और खुलेआम कहने वाली बात है, इसमें कहीं डर की बात नहीं। मैंने तुझे किताब दी थी और तू हिसाब से बैठा। चलिए वापस पुनश्च, कि तुम अच्छे हो यह कहते हो क्या तुमको अच्छा लगता है। बोले खुद की बढ़ाई, तो तुम अच्छे हो खुद कहते हो क्या तुमको अच्छा लगता है। खुद से खुद की बेट कचहरी कब अपना तुम न्याय करो। खुद से खुद की कचहरी कहते हैं अदालत को, खुद से खुद की बेट कचहरी कब तुम अपना न्याय करोगे। तो मित्रों ये जो स्थितियां हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, अपना टारगेट होना चाहिए, अपना पढ़ाई करनी, मतलब केवल पढ़ाई करनी, मतलब और कोई गोल नहीं होना चाहिए। जब तक शिक्षा कर रहे हैं घर वालों का अनुशासन माने, पढ़ाई में पूरा ध्यान दें। मैं आज पुणे संक्रमण सर आपको आमंत्रित कर रहा हूं, इन बच्चों को, इन बच्चियों को पहले भी आपका विजिट हुआ था, शायद 2 साल हो गए उसको, हाँ वो कोरोना का बहाना है, बाकी ज्यादा एब्सेंट लगने से नाम कट जाता है। तो मैं आप लोगों को पुणे सबको आमंत्रित करता हूँ, नवग्रह आश्रम पर आए, और वो आपका आश्रम है, नॉलेज के लिए आए हुए, निश्चित रूप से आपको कई चीजें सीखने को मिलेगी, कई आयाम आप लोग स्थापित करेंगे, और हो सकता है एक छोटी सी बात आपको अगर अच्छी लग जाए और आपके जीवन में अगर कभी टर्निंग पॉइंट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में मैं, चूंकि समय खूब हो गया, धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान हंसराज जी चौधरी, आप कवित्व और वक्तित्व के धनी हैं। आप इतनी अच्छी रचनाएं लिख लेते हैं, मैं इससे अभिज्ञ रहा मेरा दुर्भाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपकी पंक्तियां दिल को छू जाती हैं, तू दाता है देता है तेरे दर पर आया हूँ, दर दर ऊपर शीश झुकाना मेरे बस की बात नहीं,
याद रखने के योग्य पंक्तियां शायद मुझे जीवन भर याद रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। निवेदन करूं इसी श्रृंखला में श्रीमान महेश जी ओझा से कि आप मंच पर पधारें और अपने कलाम से नवाजें। जैसा कि आप शायर हैं, हमारा प्रथम अवसर है हम आपको सुनेंगे। बहुत बहुत सादर आमंत्रित। मैं अपनी बात शुरू कर लेता हूँ। थोड़ा भाई साहब ने गुलाबी रंग चढ़ाया है, मैं हल्का फुल्का गुलाबी रंग से शुरुआत करते हुए फिर अपने शेरों पर मैं आऊँगा। समंदर फिर जमी से मिलने को बादल हुआ जाए, समंदर फिर जमी से मिलने को बादल हुआ जाए, उसे देखो दीवाना प्यार में पागल हुआ जाए। समंदर फिर जमी से मिलने को बादल हुआ जाए, उसे देखो दीवाना प्यार में पागल हुआ जाए। क्षमा होगी अगर रोशन धुआं उतना भी लाजिम है, क्षमा होगी अगर रोशन धुआं उतना भी लाजिम है, वही तब्दील होकर याद का काजल हुआ जाए। याद का काजल हुआ जाए। और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बेटियाँ बैठी है, तो मैं बेटियों की बात से मैं अपने कुछ शेर मैं आपके सामने पेश करूँ। किस्मत की रहमतों को बेटी कहा गया, किस्मत की रहमतों को बेटी कहा गया, मालिक की नेमतों को बेटी कहा गया। माने सवारा जिसको पलकों के आईने में, माने सवारा जिसको पलकों के आईने में, अब्बा की हसरतों को बेटी कहा गया। खंजर से मारे देखो कुछ लोग पेट में ही, खंजर से मारे देखो कुछ लोग पेट में ही, सहती हो हरकतों को बेटी कहा गया। ये बेटियों की बात है, फिर भी आपको अच्छी नहीं लगी, कोई तालियां वगैरह रात। मैं गजल के चंद शेर आपके सामने पेश करता हूं कि बंद दर पर मुराद मांगता है, बंद दर पर मुराद मांगता है, वो लतीफों पे दाद मांगता है। बंद दर पर मुराद मांगता है, वो लतीफों पे दाद मांगता है। हरा होगा नहीं फिर, हरा होगा नहीं कभी, फिर भी मरे पौधे में खाद मांगता है। खरीदी रोटियों में एक पगला, खरीदी रोटियों में एक पगला, माँ के हाथों का स्वाद मांगता है। खरीदी रोटियों में एक पगला, माँ के हाथों का स्वाद मांगता है। अपने माँ बाप दर बदर करके, ये देखिए आदरणीय योगेंद्र जी के कदमों में रखता हूँ, अपने माँ बाप दर बदर करके आज अपनी औलाद मांगता है। और दुनिया में जो सारी लड़ाई है वो पेट की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है। और रोटी पर एक गजल मेरी देखेगा कि कराए दुनिया में क्या क्या न दलाली रोटी, कराए दुनिया में क्या क्या न दलाली रोटी, सियासी आज पे देखो तो पकाली रोटी। शोर बस्ती में बगावत का उठा है कैसा, हको हुकूक अमीरों ने दबाली रोटी। आज आवाम का खोया यकीन लौटाओ, आज आवाम कहते जनता को, आज आवाम का खोया यकीन लौटाओ, करेगी मुल्क में फिर अमन बहाली रोटी। पीठ पर देख कर निशान वो सहम कर बोला,
पीठ पर देख कर निशान वो सहम कर बोला, अम्मा अबू ने फिर से आज कमाली रोटी, अम्मा अबू ने फिर से आज कमाली रोटी। सियासत से जुड़ी एक गजल, सियासी जो हालात हैं देश के, राजनीतिक हालात जो हैं देश के, उस पर खुद को हवाले छोड़ दो ना, खुद के हवाले छोड़ दो ना अब तो वतन को, खुद के हवाले छोड़ दो ना अब तो वतन को, बहने दो इतनी नान से तुम गंगो जमन। सड़कों पे चल रहा है खुला खेल ये कैसा, नारों के नाम यार यूं लूटो न अमन को, खिलना न छोड़ दे कहीं मासूम सी कलियां, कितना उजाड़ना है अरे अहले चमन को, सर को ढकोगे पांव उगड़ जाएंगे यारों, सर को ढकोगे पांव उगड़ जाएंगे यारों, गुर्बत का राज खुल रहा खींचो न कफन को, गुर्बत का राज खिल रहा खुल रहा खींचो न कफन को। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, तोहमत बगावत खिलाफत खुशामत, तोहमत बगावत खिलाफत खुशामत, तोहमत बगावत खिलाफत खुशामत, तुम्हें झूठ का इल्म आता ही होगा, जरा साल जाजी जरा साल जाल साजी, मुकम्मल है कि कुव्वत, आओ ना हम भी सियासत करेंगे, आओ ना हम भी सियासत। धन्यवाद श्रीमान महेश जी ओझा साहब। अब जिनका हमें बेसब्री से इंतजार है, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करूं कुछ पंक्तियों के साथ। श्याम नारायण निराला आज तक ने प्रयास किया था कि मैं श्रीमान के समान, मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन जैसा मैं गढ़ पाया, क्योंकि आप जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि को आमंत्रित करूं, तो कुछ तो ऐसा करूं कि मुझे यूं लगे कि मैं किसी कवि को बुला रहा हूं। बहुत ही आदर के साथ श्रीमंत पंक्तियां मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। श्याम नारायण निराला मैथिली की लीक पर, श्याम नारायण निराला मैथिली की लीक पर, चंद वरदाई कवि भूषण श्री का दीख कर, चंद वरदाई कवि भूषण श्री का दीख कर, माँ भारती की वंदना में प्राणपण अर्पण किए, माँ भारती की वंदना में प्राणपण अर्पण किए, राष्ट्र की नवचेतना का जागरण संगीत भर, निर्भीक हो चारण चतुर सुपुत्र भारत भूमि के, वाणी में भरा है तेज गुण ओज कविता में लिए, मृगेंद्र संधारते हो काव्य कानन में सदा, मृगेंद्र संधारते हो काव्य कानन में सदा, फणिंद्र सी फुकार से दुश्मन के दिल दहला दिए, सम्मान अतिशय सौंप कर कर बद आग्रह है मेरा, जगा दो भाव यूं योगेंद्र हो जाए सभी इस भूमि के, जगा दो भाव यूं योगेंद्र हो जाए सभी इस भूमि के। परम आदरणीय देवी माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। कार्यक्रम में विराजित परम आदरणीय गुरुदेव योगेंद्र जी शर्मा एवं समस्त शिक्षक गणों एवं साथी विद्यार्थियों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
मैं ये दोहा इसलिए बोला हूँ क्योंकि मैं योगेंद्र जी सर को बताना चाहता हूँ कि मैं दोहा बोलना सीख गया हूँ और पिछले मिलन में आपने राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वाधान में हमें कविता लिखना सिखाया था, हमें अग्रणी किया था और आपके ही आदेश से मैं एक महाराणा प्रताप पर अपनी स्वरचित रचना पढ़ना चाहता हूँ। शंकर जयंती सर का एवं सभी शिक्षक गणों का आदेश चाहता हूँ। राष्ट्र प्रेम की बात थी जब घास की रोटी खाई थी, राष्ट्र प्रेम की बात जब घास की रोटी खाई थी, राष्ट्र प्रेमी चेटक था वो राणा की परछाई थी, राष्ट्र प्रेमी चेटक था वो राणा की परछाई थी, राणा सांगा महाराणा भी राष्ट्र को बलिदान हुए, राणा सांगा महाराणा भी राष्ट्र को बलिदान हुए, राष्ट्र के खातिर झुका नहीं वो उदय की संतान हुए, राष्ट्र के खातिर झुका नहीं वो उदय की संतान हुए। बड़े बड़े ही गिद्दड़ आए राणा को बहलाने को, मेवाड़ को सौंपने के लिए देश के देशद्रोह आए थे मेवाड़ को अकबर के सौंपने के लिए, तब महाराणा प्रताप नहीं माने थे और डटकर सामना करते रहे। बड़े बड़े ही गिद्दड़ आए राणा को बहलाने को, घोड़े को भी चीर दिया मेवाड़ी आन बचाने को, क्योंकि उनको मेवाड़ की आन के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, उन्होंने एक जीव की भी हत्या कर दी थी क्योंकि जीव से ज़्यादा उनको मेवाड़ लग रहा था। बड़े बड़े ही गिद्दड़ आए राणा को बहलाने को, राणा सांगा महाराणा भी राष्ट्र को बलिदान हुए, राष्ट्र के खातिर झुका नहीं वो उदय की संतान हुए। मैं ये बंद पुनः पढ़ना चाहता हूँ। बड़े बड़े ही गिद्दड़ आए राणा को बहलाने को, बड़े बड़े ही गिद्दड़ आए राणा को बहलाने को, घोड़े को भी चीर दिया मेवाड़ी आन बचाने को, घोड़े को भी चीर दिया मेवाड़ी आन बचाने को, भाई जगमन मिल गया था भाई को मरवाने को, भाई जगमन मिल गया था भाई को मरवाने को, राणा खुद ही लग गए अपनी फौज बनाने को, राणा खुद ही लग गए अपनी फौज बनाने को। मेवाड़ी मुछों के ताप से अकबर खुद से हार गया, मेवाड़ी मुछों के ताप से अकबर खुद से हार गया, मेवाड़ दरा को छोड़कर दिल्ली कोस ने भाग गया, मेवाड़ दरा को छोड़कर दिल्ली कोस ने भाग गया। मुछों से मुझे याद आया मैंने भी अपनी मुछें कटवा ली थी, क्योंकि मुझे भी मेरे पड़ोसियों ने पूछा मुछों को क्यों साफ करवाया। मैंने सोचा इस जीवन में इस अभी बचपन चल रहा है मेरे लिए मेरे पिता के सामने, तो सोचा अभी मेरी मूछ ना रखकर अपने पिताजी की मूछ रख लूँ, इसलिए मेरी मूछों को। मेवाड़ी मूछों के ताप से अकबर खुद से हार गया, मेवाड़ दरा को छोड़कर दिल्ली कोस ने भाग गया, कुत्तों के अधीन नहीं, कुत्तों के अधीन नहीं पत्थर पर सिंहासन था, कुत्तों के अधीन नहीं पत्थर पर सिंहासन था, भीलों की सेना के संग ही, भीलों की सेना के संग ही कंदमूल ही राशन था, भीलों की सेना के संग ही कंदमूल ही राशन था। राम प्रसाद भी भारी था, दुश्मन भी थर थर कांपे थे, राम प्रसाद महाराणा प्रताप का हाथी था जिन्होंने अपनी सूंड में तलवार लेकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। राम प्रसाद भी भारी था, दुश्मन भी थर थर कांपे थे, अकबर की सेना के उसने हाथ बहुत ही कांटे थे, बंदी बना था राम प्रसाद भी कुत्तों के ही झुंडों से, बंदी बना था राम प्रसाद भी कुत्तों के ही झुंडों से, भूखा रहकर प्राण त्याग दिए पर डरा नहीं वो कुत्तों से, भूखा रहकर प्राण त्याग दिए डरा नहीं वो कुत्तों से। कल पुलवामा पर पुलवामा हमले में देश के वीर जवान शहीद हुए थे, कल ही
14 फरवरी को पुलवामा हमला 2019 को हुआ था। मैं चार पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। छलनी छलनी छली गई थी, छलनी छलनी छली गई थी पुलवामा की घाटी वो, छलनी छलनी छली गई थी पुलवामा की घाटी वो, रक्त की धार बह गई भारत माँ की छाती वो, रक्त की धार बह गई जिसमें भारत माँ की छाती वो, सुना हो गया आंगन जिनका, सुना हो गया आंगन जिनका, वो भारत माँ के रखवाले थे, वो भारत माँ के रखवाले थे। धन्यवाद। जय हिंद। है सुनो, और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब शिष्ट के कल्याण हित विष्पान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब धर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो, और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। ये सगना अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभिष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म निरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ, और अत्यंत अनुद्दत भाव से नत शिष्य होकर विद्वत मंच सहित इस महाविद्यालय प्रांगण में विराजमान तमाम देश भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सही कह रही है, सही कह रही है, इसकी बात सुन लो, ये जो भी बोल रही है सही कह रही है, इसकी बात को सुन। और जो हंसराज जी कह गए वो बात भी सही है, ज्यादा आपस में ही बातें करोगे तो यही बातें करनी पड़ेगी, यही रहे। आज ये सौभाग्य हमारा, देखिए मैं तो प्रतिवर्ष आता हूं, कुछ मोहब्बत के कण इस महाविद्यालय में बोए गए होंगे, जिनके फूलों की खुशबू लेने के लिए मैं दौड़ा चलाता। ये शंकरशन जी गले मिलने के लिए बुला लेते हैं और मैं आ जाता। व्यस्तताएं सभी तरह की रहती हैं, उसके बावजूद आप कभी, कितने लोग हैं जिन्होंने नवग्रह आश्रम के दर्शन किए? बहुत कम लोग हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, गुजारिश है, पूरे विश्व में मैं पूरे देश में जहां जाता हूं वहां यह कहता हूं कि हमारे वहां आसिंद में आचार्य महाभद्य महाविद्यालय है, वो बच्चे जो हैं पूरी दुनिया में श्रोताओं में श्रेष्ठ है। लेकिन मुझे लग रहा है आज कि कहीं ये मेरी गलतफहमी तो नहीं, और मैं जहां जाता हूं ये भी कहता हूं कि हमारे महाप्रज्ञ महाविद्यालय के जो बच्चे हैं वो संपूर्ण रूप से रोम रोम से देशभक्त हैं। गलत तो नहीं है? तो फिर आपकी तालियां कमजोर है इस पंक्ति पर। स्वागत आपका। तो मेरी गुजारिश है कि कभी नवग्रह आश्रम जाइए, पूरे ब्रह्मांड में ध्रुव तारे को सब लोग जानते हैं ना,
ये अलग बात है कि एक ध्रुव तारा बिल्कुल हमारे नजदीक, ये बोरखेड़ा कहाँ है, मोती बोर का खेड़ा, अमेरिका से भी जब व्यक्ति आता है ना, आने जाने का 3.25 लाख रुपए एक आदमी का किराया होता है और 5 लोगों को आना पड़ता है क्योंकि कैंसर के रोगी के लिए आ रहे हैं। अमेरिका में भी सर्वोच्च चिकित्सालयों से वो मरीज जब छुट्टी पर जाता है कि जाओ तुम अब घर पे सेवा करो, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, वो मोती बोर का खेड़ा आता है साहब इलाज में। और माफ करना मुझे, ये हम सबका सौभाग्य है कि उस नवग्रह आश्रम को स्थापित करने वाला एक योद्धा, लड़ाई सब करते हैं जीतते सब होंगे और जीतने वालों का ही नाम आता होगा बेशक, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर जीतने वालों का ही नाम आता तो फिर उस कर्ण का नाम क्यों आता है, उस भीष्म का नाम क्यों आता है, उस दुर्योधन का नाम क्यों आता है, वो पता है। मैं संपूर्ण श्रद्धा के साथ इस महाविद्यालय के धरती से नवग्रह आश्रम की स्थापना करने वाले इस महामानव को प्रणाम करता हूं। कल्याण का भाव लेकर, व्यवसाय का भाव नहीं है, व्यवसाय करने वाले व्यवसाय करते होंगे, कल्याण का भाव लेकर नवग्रह आश्रम की स्थापना कर देना और पूरे विश्व तक उसके पंखुड़ियों की खुशबू को फैला देना। ये काम सच कहा इन्होंने कि अपने मुंह अपने क्या तारीफ करें, इन्होंने कुछ नहीं बताया अपने लिए, ये तो कुछ परिहास के उस मूड में रहते हैं और इनके भीतर एक आनंद भरा हुआ है जिसको ये मुखरित करते रहते हैं। मैं तो सबका सौभाग्य मानता हूं कि हमारे एक छोटे से निवेदन पर परम श्रद्धेय डॉक्टर हंसराज चौधरी यहां इस प्रांगण में विराजमान है। बहन वीणा सागर, आपने जैसे ही इनके आगमन पर तालियां बजाई मैं समझ गया कि आज सारे कवि फेल हैं, एक स्टार है, अपनी धरती से कौन प्यार नहीं करता है? और ये तो अपनी धरती की गुलमोहर, कौन प्यार नहीं करता। बिना बिना माइक के मैं तो माइक की सहायता ले रहा हूं, बिना माइक के जो सुना गई ना कमाल कर दिया, एक बार उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। कई चीजों को देखने के लिए, कई चीजों को पढ़ने के लिए उतरना पड़ता है। भाई ने जो गजब सुनाई मेरे वश की बात नहीं, इस तरह हो सकता है कि आपने महेश ओझा की गजलों को उतरने के बिना सुनने की कोशिश की हो तो हो सकता समझ में नहीं आई। एक एक शेर में एक एक महाकाव्य छुपा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने वीणा जी को सुना जब वो जाकर बैठे कि आपने क्या लिख दिया है, मैं भी नहीं समझता गजलों में, मैं तो वैसे ही ताली बजा रहा था। उन्होंने कहा तो मैंने सोचा एक समझदार महिला बोल रही है तो झूठ थोड़ी बोल। सबको आपने सुना भाई पृथ्वी, जब मैं पहली बार यहां आया था तो ये पृथ्वी मुझे यहां मिला, इसके भीतर देखो कविता तो सबके भीतर है, यहां कोई कविता तो नहीं बैठी है कहीं ये समझे कि मेरे भीतर है। लेकिन
श्रद्धा के साथ ये मुझसे मिला था। उस दिन मैंने इसको कहा था, बेटा इस पे काम करो, तुमने अगर अध्ययन किया, तुमने पढ़ाई की, तो इस पे आगे बढ़ो, अच्छा लिख पाओ। और आज इसकी ये कविता जो माणा प्रताप पर, रेवाड़ पर जो कविता आपने सुनी, ठीक है, सामान्यतया बहुत मंच नहीं मिलते तो कविता याद होना उस पर निर्भर करता है। नई कविता भी लिख लेंगे ना, तो बच्ची क्या नाम है, नगमा आई थी यहाँ पे, नगमा को मैंने सुना। मैं भी जब तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था, मेरे को मंच पे चढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन जबरदस्ती अगर खड़ा कर दिया जाता था तो मेरे पांव कांपते थे, इंडियन कांपती थी। और वो इसलिए होता है कि हम समग्र तौर पर स्वीकार नहीं कर पाते और प्रतिपादित नहीं हो पाते। ये कला सबके भीतर निवास करती है। कोई भी आकर मुझसे अच्छा बोल सकता है, मुझसे अच्छा अभिव्यक्त हो सकता है, मुझसे अच्छा समझा सकता है, लेकिन फिर भी जब मंच पे चढ़ते हैं अपन तो पिंडलियां कांपती हैं। जब होने लगता है, अभ्यास हो जाता है, हमारे शिवदान सिंह जी राणावत लिखते हैं डिंगल भाषा में, सब मारवाड़ी लोग बेटे मारवाड़ी समझते हो ना, तो तुम क्यों कोई इंग्लैंड से आए हो क्या, समझोगे इसमें क्या खास बात, कौन सा एहसान सबको पता डिंगल साहित्य की वो भाषा जिसपे शिवदान सिंह जी राणावत ने, ये कारोई पास में है आपके, 16,000 दोहे लिखे, 16,000 दोहे। साहित्य में कई लोगों ने इतना बड़ा काम कर रखा है, उन्होंने एक सोरठा लिखा है, कतरोई करो उजास, राता दिन नहीं बह सके, कतरोई करो उजास, राता दिन नहीं बह सके, यो ही अंतर है खास, गरबा में रघोबा में। कभी उन्होंने ये सोरठा मंच पर चढ़कर नहीं सुनाया साहब, अरे महाराज प्रताप पर तो तमाम साहित्य रचा गया, मालगाड़ी भर लो इतना साहित्य है, लेकिन उस मालगाड़ी भरे हुए साहित्य को तराजू के एक पलड़े में रख दो, और महाराज सुल्तान सिंह जी जो महाराज प्रताप की 17वीं पीढ़ी में हैं, ये हमारा गर्व है। ऐसे लेखक, ऐसे बड़े हमारे पूजनीय साहित्यकार यहां कारोई विराजते हैं। उन्होंने महाराज प्रताप पर दो ही पंक्तियां लिखी, एक दोहा लिखा, और पूरे विश्व में जितना चाहो 53 ग्रंथ तो संस्कृत में लिखे हुए महाराज प्रताप पर, 53 ग्रंथ, लेकिन सारा साहित्य तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, और ये दो पंक्तियां जो दोहे के रूप में शिवदान सिंह जी ने लिख दी, क्या कह दिया है। महाराज प्रताप के विषय में सब लोग थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, हमारे पूर्वज रहे हैं जिनकी वजह से मेवाड़ को जाना जाता है, जिनकी वजह से देश के स्वाभिमान को जाना जाता है। क्या लिख दिया शिवदान सिंह जी ने सुनिएगा, केवल समझदार लोग जो समझ जाते हो डिंगल को, केवल वो बताना कि हमारे समझ में आ गई, मैं अपना यज्ञ मान लूंगा कि यज्ञ हो गया है। शिवदान सिंह जी ने कहा, पुणी जनागे नी झुठो चरणा थारो शीश, उणी जनागे नी झुको चरणा थारो शीश, अत थारे चरणा झुके जना जना रो शीश। मेरे मन में भाव आ गया है, और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मां
प्रशासन से, ये जहां आपने एक बड़े व्यक्तित्व का चित्र इस महाविद्यालय के एक खंभे पर लगाया है, महाराणा प्रताप का चित्र यहां दूसरे खंभे पर होना चाहिए। और मैं साथ ही एक पंक्ति और निवेदन कर देना चाहता हूं कि इतनी कम तालियों पर यहां चित्र न लगाया जाए। माता पिता को ही सबसे बड़ा मंदिर मानता हूं, माता पिता को सबसे बड़ा मंदिर मानता हूं, फिर भी झुकाता हूं तो किसी शहीद के स्मारक पर जाकर झुकाता हूं। लेकिन आज महाराणा प्रताप का चित्र लगाने के लिए जो आपने समर्थन किया है, मैं आप सबके समक्ष इस चीज को झुकाना चाहता हूं। समय कम है भाई साहब, इस गेट को बंद कर दो। आपके इरादे अच्छे नहीं लग रहे मुझे, ये आधा गेट खोल के इसलिए खड़े हैं कि आनंद आएगा तो अंदर चले जाएंगे, नहीं तो खिसक लेंगे। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान कहीं नहीं करता। सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी जाती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं। बच्चे ने पढ़ा कि कल पुलवामा की शहादत का दिन था, उरी में भी हमला हुआ, हमारे लोग शहीद हो जाते हैं। मैंने बेटियों को जो अभी हंस रही है उस समय गंभीर देखा। आपके हृदय में संवेदना इसलिए होती है बेटा कि जो माताएं उन वीरों को पैदा करती हैं वो साधारण नहीं होती, वो मां साधारण नहीं होती। मैं कहा करता हूं पूरे देश में जहां जाता, इस देश को आजादी केवल चरखा काटने से नहीं मिली, इस देश को आजादी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत से भी नहीं मिली। गले जगह ताली बजा, इसलिए पूरा सुनना भी जरूरी है। बड़े बड़े जब एग्जाम दोगे ना, थोड़ा सा और आगे आओगे, बड़े एग्जाम दोगे तो उस प्रश्न को पूरा पढ़ना, अंतिम शब्द में भी लफड़ा पड़ जाता है, सवाल गलत भी हो जाता उत्तर है। इस देश को आजादी केवल चरखा कांतने से नहीं मिली, इस देश को आजादी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत से भी नहीं मिली। इस देश को अगर आजादी मिली है तो उन माताओं की वजह से मिली है जिन्होंने ऐसे पोत पैदा करके भारत माता की छाती पर जोड़ा। कहता मेरी बात आप तक पहुंचेगी,
अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके को शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। और दो चार दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत पर हमले की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। मुझे आप लोगों के दिए हुए हौसले से ताकत मिलती है कि 2015 से आपको पता है हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष अब इस धरती पर नहीं। मुझे खुशी है कि आप सब लोग उनका नाम जानते हैं। अभी एक विद्यालय में था मैं पिछले हफ्ते, जब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा एक अपने बहुत बड़े महापुरुष का निधन हो गया, शहादत हो गई है पिछले दिनों, जो हमारे सेनाध्यक्ष रहे थे, किसी को नाम पता है? तो कई विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा किया, सबने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा कोई एक खड़े हो जाओ, नाम बताओ। बोले भगत सिंह। उनको शहादत पर एक ही नाम याद है, जिस धरती का चरणामृति राम सेतु का सृजन करी। ये भारत माता है यार। अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पखारता होगा। ये गुरुजन वृंद को प्रणाम इसलिए करता हूं, ये पृथ्वी जो जिन संस्कारों के साथ बोल रहा था ऐसी महाविद्यालय की देन है। आपने प्यार बाजार में तालियां बजा दी होगी इसके लिए, लेकिन इसकी कविता आज यदि इस महाविद्यालय के प्रांगण में इसकी कविता हुई है तो मैं शुभकामनाएं देता हूं कि कभी न कभी लाल किले से इस पृथ्वीराज की कविताएं। महापुरुष पैदा नहीं होते साहब, महापुरुष पैदा नहीं होता है, वही मोहनदास पैदा होता है, महात्मा गांधी बन जाता है, वही नरेंद्र पैदा होता है, विवेकानंद बन जाता है। और इसलिए कहता हूं अपने कृतित्व को इतना ऊंचा करो, इन पर ध्यान मत दो, इनका काम हो गया, निपट गए सभी। ये तो आपस में बातें इसलिए कर रहे हैं कि आपका ध्यान उधर जाए, और आपका ध्यान उधर चला गया तो समझो तुम फेल हो गए। ये देख रहे हैं आपके धैर्य की, आपके आपका माइंड कितना सेट है कविता के प्रति, ये उसका परीक्षा ले रहे हैं उसकी। आपका ध्यान उधर चला गया तो समझो कि फेल हो गए, इनका निपट गया, डांट पट्टे कर लिए, जो भी बोलना था बोल लिया। करने और होने में फर्क है, ये मैंने बताया। अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पखारता है, लेकिन मेरी भारत मां के चरण जब सागर का जल पखारता है क्या विशेषता पैदा होती है। 3 साल पहले कंबोडिया में जाकर, कंबोडिया जहां विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है बेटा अंकोरवाट, कंबोडिया में जाकर मैंने केवल 350 लोग थे भारत के, जिनको मैंने इस कविता की शुभारंभ की पंक्ति पहली पंक्ति पढ़ी। पहली पंक्ति पढ़ने पर पांडा जी, पहली पंक्ति पढ़ी मैंने, पहली पंक्ति का पाठ किया ये कहकर कि भारत माता के चरण जब सागर का जल पकारता है तो क्या विशेषता पैदा हो जाती है। पहली पंक्ति पढ़ने पर मुझे 360 लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाकर इस कविता का मान सम्मान किया। वो पंक्तियां आपके बीच रखता हूं, सुनिएगा। जिस धरती का चरणामृति राम सेतु का सृजन करे, अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ वन शोभित है, जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है,
सिंध बंग कैलाश कभी इस भारत माँ का वैभव था और तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था और गांधार से ब्रह्म देश तक भगवान ध्वज लहराता था। पर सिंगल हिंदू पुस्तक भारत माँ की छाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी, संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। तब जाकर बलिदानी भारत। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हाँ बिगड़ा है तो इस देश में होने वाला व्यभिचार, भ्रष्टाचार, हर चीज में राजनीतिकरण, हमारे देवों की, हमारे धर्म की खाती पर प्रहार, ये सब बिगड़ा है। लेकिन यदि महाप्रज्ञ महाविद्यालय में ऐसे लोग कविता सुनेंगे ना, तो एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धाम को। 1000 से ज्यादा मंच पर मैंने इन पंक्तियों का पाठ किया। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धाम को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हंकार बना सकते हो इंकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। मैं सेना में भी जाता हूं, सेना के कार्यक्रमों में 2015 से जाता हूं, प्रतिवर्ष जाता हूं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है हंसराज जी, 64 बार मैंने सैनिकों के सामने खड़े होकर कविता पढ़ी। मुझे अकेले को वहां बुलाया जाता है, सैनिकों के सामने खड़ा होता हूं और कविता पढ़ता हूं। उनको गोली चलाना तो आता है, उनको ताली बजाना नहीं आता। हाँ सही कह रहा हूं, उनको भारत माता की जय करना तो आता है, उनको भारत माता की जय बोलना नहीं आता। उनको जय करना तो आता है। चूंकि मैं जाता हूं, मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, आप सबकी तरह मैं भी यहां बैठकर किसी को सुनकर वहां पहुंचा, तो मैं उनको बोलता हूं कि भारत माता की जय कैसे बोली जाती है और भारत माँ के सम्मान की तालियां कैसे बजती है। और जब मैं उनको बता चुका होता हूं, तब जो तालियां बजती हैं, उन तालियों का एहसास मैं इस महाविद्यालय के प्रांगण में करना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमको भी बता देता हूं। जब भारत माँ के सम्मान की बात आ जाए, शहीदों के सैनिकों के सम्मान की बात आ जाए, तो दोनों हाथ पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ आसमान की तरफ उठने चाहिए। दोनों हाथ एक दूसरे को देखते हुए हो और इसके बाद पूरी ताकत से, जैसे आपके हाथ में गन है और आपके समक्ष दुश्मन देश का कोई दुश्मन खड़ा हुआ है जो भारत माता पर प्रहार करने को आतुर है, और आपके हाथ की गन उस महान अब्दुल हमीद ने जैसे गन बरसाई थी और पैटर्न टेंट की धज्जियां उड़ाती थी, दोनों हाथ एक दूसरे को देखते हुए उसी शिद्दत के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े, तब तालियों की आवाज होती है, तब तालियों की आवाज होती है। और जय कैसे बोली जाती है? भारत मां की जयकार करनी हो, जुबान से मत बोलना, होठों से मत बोलना, गले से जयकार मत करना, आपके नाभि तंत्र से स्वर का प्रस्फुटन होना चाहिए और ध्वनि ऐसे निकले कि संपूर्ण ब्रह्मांड में
1,00,000 साल तक गूंजती रहे ऐसे जयकार करने का। मैं पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों, फिर दावादल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। आ जाएगा उस दिन जयकार पर आपकी हंसी थम जाएगी साहब, उस दिन आपके अंदर से क्रोध का प्राकट्य होगा। भारत माता ने 7,25,00,000 बेटों को खोया। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश में 7,25,00,000 लोगों की शहादत हुई। कुछ लोग निकले, एक चला गया जले वाला बाग में जाकर उस बांटी को उठाता है, अपने मस्तक से लगाता है, 14 साल का बच्चा, और कहता है जब तक मैं जलिया वाला बाग के नरसंहार का बदला नहीं ले लूंगा तब तक भारत माता को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। जानते हो कौन था? बहुत इंटेलिजेंट लड़ते हैं यार। हाँ सच है, याद करो जलियांवाला जब मौसम आदमखोर हुआ, इनकलाब के नारों में तब बलिदानों का दौर हुआ, याद करो जलियांवाला जब मौसम आदमखोर हुआ, इनकलाब के नारों में तब बलिदानों का दौर हुआ, कौन सजा देता डायर को, वो शासन ही हत्यारा था पर उधम सिंह ने उस कायर को लंदन जाकर मारा था। चार परमवीर चक्र करगिल में प्रदान किए गए। करगिल का युद्ध तो अभी हुआ है जब आप सब लोग थे यहां पे, कुछ लोग नहीं होंगे, अधिकांश थे। 1999 में घुसपैठ हुई, जानते हैं ना, करगिल में 4 लोगों को परमवीर चक्र मिला है, उनमें से 2 लोग आज भी जिंदा है, 2 को मरणोपरांत मिला है, कुल 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला देश में, केवल 21 लोगों को 1947 से लेकर आज तक। जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं, पहला परमवीर चक्र किसको मिला, बोलो ना, अभी तो आवाज आई थी बेटा, खड़े हो, खड़े रहो, बजाओ जोरदार ताली। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा की शहादत न होती तो ये हमारा कश्मीर नहीं होता। किसी न किसी मां का तो बेटा था। हो सकता है आज भीलवाड़ा जिला इतना गरीब हो कि यहां से कोई परमवीर चक्र नहीं निकला, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ असंभव कुछ नहीं होता। 14 वर्ष का तप अगर राम ने नहीं किया होता तो राम भगवान राम नहीं होते यार, तप तो करना पड़ता है। 3 परमवीर चक्र आज भी जिंदा है,
सात को जिंदा परमवीर चक्र मिला है, 14 को मरणोपरांत मिला है। मनोज पांडे जब सेना में भर्ती होने गए, तुम्हारी उम्र में थे, सेना में जब भर्ती होने गए, एकमात्र सेना का ही एग्जाम ऐसा होता है जिसमें फॉर्म भराया जाता है तो ये पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मनोज पांडे ने लिखा, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, परमवीर चक्र पाना चाहता हूं। जब साक्षात्कार हुआ, कर्नल ने पूछा, अधिकारी ने पूछा, मनोज तुमने लिखा है फॉर्म में तुम कुछ नहीं बनना चाहते, परमवीर पाना चाहते हो, जानते हो परमवीर कैसे मिलता है? बोला, यस सर, जानता हूं। अधिकांश को मरणोपरांत मिलता है, लेकिन मुझे मौका मिला तो मैं जिंदा भी ला सकता हूं। पहले प्रश्न पे तालियां नहीं आना कोई खास बात नहीं। दूसरा सवाल जो अधिकारी ने किया और लखनऊ के उस बेटे ने जो जवाब दिया, बहुत अच्छी प्रेरणा की पंक्तियां आपने बीना जी से सुनी। मैं एक केवल टिप्पणी कर रहा हूं, उसके बाद हंसराज जी ने बहुत कोशिश की कि आपके अंदर सूरज की ऊर्जा को भर दिया जाए, एहसास करना, अनुभव करना उस मनोज पांडे का। जलर साहब, मनोज पांडे को जब अधिकारी ने यह कहा कि अगर परमवीर पांडे की स्थिति से पूर्व तुम्हें मौत आ गई तो क्या करोगे, मनोज आधे सेकंड के सन्नाटे के बाद मनोज ने जवाब दिया, सर ऐसी स्थिति से पूर्व मौत आई तो उस मौत को मार दूंगा सर। मनुष्यता के लिए इस जन्म का प्रतिमान बन जाना, कलुष को त्याग जीवन में गुणों की खान बन जाना, वचन की प्राण रक्षा में वतन की आन बन जाना और वतन की अस्मिता के अर्थ की पहचान बन जाना, प्रतिज्ञा पंथ पर चलकर नवल आयाम बन जाना, प्रतिज्ञा पंथ पर चलकर नवल आयाम बन जाना, उसी मर्याद को जीना, उसी का धाम बन जाना, नहीं आसान दुनिया में निखिल निष्काम बन जाना, बिना वनवास जीवन में किसी का राम बन जाना, बिना वनवास जीवन में। हमारा धर्म क्या है, कर्म क्या है जान लेते हैं, सनातन सत्य क्या है मर्म का संज्ञान लेते हैं, स्वयं में राम होने का परम प्रज्ञान लेते हैं, स्वयं में राम होने का परम प्रज्ञान लेते हैं। मेरे पड़ोस में बाई तरफ मैंने एक दिन सुबह उठा, मैं तो ढोल ढमाके बज रहे थे, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, बच्चा हुआ है, खुशी के मारे ढोल ढमाके बज रहे। चार दिन बाद फिर मैं बाहर निकला तो देखा दाहिनी तरफ लोग रो रहे, मैंने पूछा इनके क्या हुआ कि बच्चा हुआ है, मैंने कहा वो तो ढोल ढमाके बजा रहे थे, रो क्यों रहे? साहब बच्चा हुआ है लेकिन मरा हुआ हुआ है, राम नहीं है। क्या बात है हंसराज जी, मुझे उस दिन लगा कि बच्चा होने की खुशी नहीं है, वो ढोल ढमाके बच्चा होने से नहीं बज रहे, बच्चे में राम होने से बज रहे। राम के आने के ढोल ढमाके में सैल्यूट करता हूं आपको कि इस बारीक सी बात को, संवेदना को आपने समझा। वही लोग जो इस संवेदना को समझते हैं वही अपने भीतर राम का एहसास कर सकते हैं। यहां बैठे हो ना तब कहता हूं, अभी तो एक पग तुमने उठाया कर्म के योगी,
कदम दो चार भी जो चल दिए तो बात क्या होगी। कभी जब मुट्ठियों में कैद कर लोगे रवानी को, झुकेंगे मील के पत्थर तुम्हारी आगवानी को। गगन को देखकर होगा नए प्रतिमान का लेखन, निशाना साध लोगे तो करोगे लक्ष्य का भेदन। नहीं मिलती किसी से भी तुम्हारे हाथ की रेखा, नहीं मिलती किसी से भी तुम्हारे हाथ की रेखा। लकीरें खींच कर तुमने लिखा तकदीर का लेखा। 2000 वर्ष पूर्व एक गुरुकुल में जब गुरुजी शिक्षा दे रहे थे तो एक बच्चे को पाठ याद नहीं करने पर सजा मिली। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हें 10 वेद की सजा दी जाएगी, तुमने पाठ याद नहीं किया। बच्चा खड़ा होकर हाथ फैलाता है, गुरुजी ने एक बेत मारी और कहा कि जाओ अपनी जगह बैठो, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने पाठ याद नहीं किया, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा क्यों नहीं मिलेगी, मैंने क्या अपराध कर दिया। गुरुजी ने कहा, बेटा मेरी निगाह तुम्हारे हाथ पर चली गई, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, तुम्हें कभी भी पाठ याद नहीं हो सकता, जाकर बैठो, आज के बाद तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, तुम पढ़ नहीं सकते। शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव ये रेखा कहां होती है। गुरुजी ने बताया कि यहां होती है, गुरुकुल के प्रांगण में एक तीखा पत्थर पड़ा था। तीखा पत्थर बाएं हाथ से उठाकर शिष्य ने अपनी हथेली को चीरते हुए कहा, गुरुदेव मुझे अब तो सजा मिलेगी ना। हाँ, वो शिष्य कोई सामान्य शिष्य नहीं था, वो पाणिनि हुए, महर्षि पाणिनि, जिन्होंने इस संसार को व्याकरण का शास्त्र दिया है, हमें बोलना सिखाया है। मैं आपसे मुखातिब हूं तो से और हूं लिखना बोलना पाणिनि की देन है। व्याकरण नहीं होता तो हम बोल नहीं पाते, भाषा नहीं होती हमारे पास। तो महर्षि पाणिनि हुए जिन्होंने अपनी रेखा को खुद हाथ को चीर कर बनाया था। लकीरें खींच कर तुमने लिखा तकदीर का लेखा। विनय का भाव सक्षम को क्षमा का गुण सिखाता है, मगर अन्याय के आगे प्रणी पुरुष दिखाता है। भैया तुम्हें तो मैं सुना रहा हूं, मेरा पर्पज यहां तो इन सबको थोड़ी सुना रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुम सबसे अच्छा सुन रहे थे अब तक। सुनिए, विनय का भाव सक्षम को क्षमा का गुण सिखाता है, मगर अन्याय के आगे प्रणी पौरुष दिखाता है। प्रतिज्ञा और पौरुष ही तुम्हारे धीर का परिचय, शिलाओं पर लिखा होगा प्रतापी वीर का परिचय। प्रतिज्ञा ठान लेता, चार पंक्तियां सुन लो यार, हंसराज जी की साक्षी में पढ़ता हूं। प्रतिज्ञा ठान लेता वो सितारे तोड़ सकता है, धरित्री को उठाकर मैं गगन से जोड़ सकता है, सकल ब्रह्मांड मुट्ठी में दबाकर फोड़ सकता है, और हवा का रुख जिधर चाहे उधर ही मोड़ सकता है। कुचल दो फन भुजंगों के प्रबलता एड़ियों में है, तुम्हारी शक्ति का चेतन तुम्हारी मुट्ठियों में है, इसी चैतन्य के बल से समंदर पार कर लो रे। प्रतिज्ञा ठान कर अपने हृदय में आग भर लो रे, प्रतिज्ञावान पौरुष का अयोध्या धाम बनना है, प्रतिज्ञावान पौरुष का अयोध्या धाम बनना है। क्या कहा मैंने, प्रतिज्ञावान पौरुष का अयोध्या धाम बनना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। उठो श्री राम के हनुमत, तुम उन सामर्थ्य को जानो, प्रभु श्री राम की सत्ता सनातन सत्य संधानो, समाहित राम कण कण में चराचर सृष्टि पहचानो, वही श्री राम है भीतर बुझाएं शक्ति से तानो। पवन जल थल गगन अंजन तुम्हारी शक्तियों में,
युगों के बोझ का स्पंदन तुम्हारी कृतियों में है। जगा दो रक्तधारों को प्रबल मुट्ठियां भी, जो तुम्हें ही युद्ध करना है, तुम्हें ही युद्ध करना है, तुम्हें ही युद्ध करना है। धनुष की ताट को खींच, वंशज दिवा करके अवध पतिराम होकर के, दमन दानव दरिद्रों के महासंग्राम होकर के, तुम्हें ने भारतीय भू पर मनुज अवतार धारा है। धरा के कष्ट हरने को दशानंद दुष्ट मारा है। तुम्हें इस शक्ति कौशल की पराता भान करना है, तुम्हें इस शक्ति कौशल की पराता भान करना है। धधकती रक्त धारा की तुम्हें पहचान करना है। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि हम हैं क्या। कई लोगों को यह पहचानने में बड़ी दिक्कत आती है। मैं आध्यात्मिक बात भी नहीं कर रहा, लेकिन हम अपने ही कौशल को जब भूल जाते हैं, मैं वो बात कर रहा हूं। तब निवेदन करता हूं, सुनिएगा। समर्पण साधना मंगल भवन निष्काम बनना है। समर्पण साधना तुम्हें ही वेद का समिधा हवन की ज्वाल बनना है। कई चिनगारियां मिलकर महाविकराल बनना है। कवच धारण करो वीरो, वतन की ढाल बनना है। तुम्हें दुश्मन दरिंदों का विघाती काल बनना है। समर्पण साधना मंगल भवन की शाम बनना है। बनारस की सुबह पावन नवद की शाम बनना है। समर्पण साधना मंगल भवन निष्काम बनना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। मैं सोचो लौट धरती पर प्रभु श्री राम आएंगे। धरा के कष्ट हरने क्या स्वयं भगवान आएंगे। वही आकर करेंगे क्या सनातन धर्म का रक्षण। न सोचो यज्ञ की रक्षा करेंगे राम या लक्ष्मण, मगर सोचो वहीं पर क्यों प्रभु श्री राम आए थे। संकर्षण जी, आप बहुत पढ़ते हैं, आप बहुत विद्वान व्यक्तित्व हैं, कम लोग जानते होंगे, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने का, अध्ययन करने का, इन्होंने अपनी, टेलर साहब ने अपनी बात शुरू की थी श्याम नारायण। कितने लोग जानते हैं श्याम नारायण? नहीं जानते हैं। श्याम नारायण पांडे, जिनके कारण विश्व में मेवाड़ को जाना गया, उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी अल्दी घाटी जौहर। श्याम नारायण पांडे को साहित्य में रुचि रखने वाले लोग, या मेवाड़ में रुचि रखने वाले लोग, या इतिहास में रुचि रखने वाले लोग, या अपना ही निर्माण करने में रुचि रखने वाले लोग, एक बार मेरी प्रार्थना है श्याम नारायण पांडे को पढ़ना, बहुत कुछ मिलेगा। तब कहना चाहते न सोचो लौट धरती पर प्रभु श्री राम आएंगे। धरा के कष्ट हरने क्या स्वयं भगवान आएंगे। वही आकर करेंगे क्या सनातन धर्म का रक्षण। न सोचो यज्ञ की रक्षा करेंगे राम या लक्ष्मण, मगर सोचो वहीं पर क्यों प्रभु श्री राम आए थे। अवध का राज्य बचकर क्यों प्रभु वनवास आए थे। स्वयं में राम होने का तुम्हें कब बोध आएगा। और जांचता हूं कि सुंदरकांड किस किसने पढ़ा। हाथ नहीं उठा तो समझ लो उसने नहीं पढ़ा। निवेदन करता हूं, बोल रहा था क्यों प्रभु श्री राम आए थे। अवध का राज्य तजकर क्यों प्रभु वनवास धाये थे। स्वयं में राम होने का तुम्हें कब बोध आएगा। दिवस तो तीन बीते पर तुम्हें कब क्रोध आएगा। उपित सारंग होगा तो समंदर हाथ जोड़ेगा। तुम्हारा तीसरा ही पग कभी पाताल तोड़ेगा। उदय की कामना भर से क्षितिज भी नेत्र खोलेगा। तुम्हारी भ्रुक्ट के भय से सकल ब्रह्मांड डोलेगा।
कभी नरसिंह का अवतार तुमको धारना होगा, कदाचित दानवों के वंश को संहारना होगा। करो सद्धर्म की रक्षा, करो सद्धर्म की रक्षा, तुम्हारा धर्म है वीरो, उठो। 14 बरस का तप तुम्हारा कर्म है वीरो, उठो 14। सुग्रीव वाली से प्रताड़ित हो रहे देखो, दशानन की यदावत से जटायु रो रहे देखो, खड़ी शबरी प्रतीक्षा में तुम्हारे दर्श की खाते। मैंने पढ़ा, महापुरुषों ने लिखा कि व्यभिचार वश अहिल्या पत्थर की शिला बन गई। ऋषि की पत्नी थी, उसके मन में काम नहीं था, उसके साथ व्यभिचार होना संभव नहीं था। सनातन का प्रहरी योगेंद्र इस बात से इनकार करता है कि किसी ऋषि की पत्नी ने व्यभिचार किया होगा। नहीं, एक पंक्ति पढ़ता हूं, और नारी अस्तित्व के शील की रक्षा में अपने हाथ उठाना, खड़ी शबरी प्रतीक्षा में तुम्हारे दर्श की खातिर अहिल्या हो रही पत्थर तुम्हारे स्पर्श की खातिर। दशानन की यदावत से जटायु रो रहे देखो, खड़ी शबरी प्रतीक्षा में तुम्हारे दर्श की खातिर अहिल्या हो रही पत्थर तुम्हारे स्पर्श की खातिर। छली मारीच के छल से हरण निथो रही सीता, छली मारीच के छल से हरण निथो रही सीता। अरे युग धर्म के प्रहरी तुमसे मुखातिब, अरे युग धर्म के प्रहरी तुम्हारा युग नहीं बीता, अभी घनघोर लहरों का समंदर पार करना है, अभी घनघोर लहरों का समंदर पार करना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें भी राम करना है। ये तीनों गालियां निकाल रहे क्यों निकाल रहे बता देते यार, हमको तो 5-5 मिनट में बिठा दिया है, इसको आधा घंटा हो गया भग लेते हुए। लेकिन क्या है, मैंने आपको बताया ना कि मैं यहां से ऊर्जा प्राप्त करता हूं, पूरे देश में जाकर पढ़ता हूं, यहां से ऊर्जा प्राप्त करता हूं तो मुझे सैनिकों के सामने खड़े होकर पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है। यहां से चलता शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं, कीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती। संकल्प लेना, कोटड़ी गया था विद्यालय में, मैं कविता पाठ के बाद एक बच्चा मेरे पास आता है, सर मेरा नाम अनवर है, आज मैंने आपको सुना और यह संकल्प धारण किया है देश में सेवा करने के लिए सेना की वर्दी धारण करूंगा। जब मुझे आज पेरा के कमांडो मुझसे संपर्क करते हैं और ये कहते हैं कि सर आपको सुनने के बाद आज मैं यहां तक पहुंच गया हूं कि मैंने पेरा की वर्दी धारण कर ली, आज मेरा जन्मदिन है, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, मैं सच कह रहा हूं आपको कि जब मैं उनसे बात करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रतिवर्ष 50 विद्यालय महाविद्यालय में जाने का संकल्प 2007 में धारण किया, पिछले 2 वर्षों में टूटा, इसलिए टूटा कि परिस्थितियां विपरीत थी, मगर एक कदम दुनिया से आगे लोग वही चलते हैं, एक कदम दुनिया से आगे
लोग वही जलते हैं अंगारों के पथ पर जिनके पांव नहीं जलते हैं। शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं, गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। इसलिए युद्ध ठानकर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा, अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, समझना यार, संकेत में बात कहूंगा, जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक चीन क्या अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। मुझको बुझाने के लिए है आंधियां घनघोर पर, आंधियों में भी सदा जलता रहूंगा, तेज धारे भी बहाने के लिए आविष्ट तत्पर, धार के विपरीत भी बढ़ता रहूंगा। है करोड़ों सूर्य लेकिन फैसला मेरा निरंतर, दीप हूं आलोक का संकल्प लेकर, मैं तमस्वी बस्तियों की छातियों पर पांव धरकर अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा, अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा, अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा। अब मेरी तबीयत खुश करने के लिए, अब तक मैंने जो कुछ सुनाया आपको खुश करने के लिए, अब आप मेरी तबीयत खुश करने के लिए एक शब्द सुनना चाहता हूं, बस एक शब्द सुनना चाहता हूं, बोलिए भारत माता की। भारत माता की। इधर से गुरुजन वृंद की आवाज नहीं आई तो मुझे लगा कि रंग नहीं भरा हुआ है, तिरंगे में रंग नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत सैल्यूट करता हूँ, बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतना प्यार प्यार माँ सरस्वती को प्रणाम। आज सम्मानित मंच, आप सभी को मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, जो आज का जीवन मेरे लिए, आज का जो दिन है निश्चित रूप से अद्भुत है। मेरे पिता तुल्य अग्रज
मेरे बड़े भैया यहाँ पर विराजमान हैं, जिनकी वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। तो इस मंच से मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने आज देखा कि कैसी व्यवस्था है, किस तरीके से क्या चल रहा है। मैं मेरे अग्रज का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज की जो कविताओं का श्रृंखला था, विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का जो श्रृंखला था, ये आहुति बार बार लगेगी, एक बार से काम नहीं चलेगा, बार बार लगेगा। मैं आपको कहता हूँ कि जब आप विश्वगुरु की कल्पना करते हैं, विश्वगुरु की बात करते हैं, तब हम उपनिषद के पास जाते हैं और उपनिषद के ज्ञान में विद्यार्थियों तक निरंतर रूप से पहुँचा रहा हूँ। और लगभग 118 उपनिषद को मैं स्वयं अपने मेहनत की पूंजी से खरीद के लाया हूँ, उनको पढ़ रहा हूँ और विद्यार्थियों में उपनिषद का बीजारोपण कर रहा हूँ। निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु बने, ऐसी मेरी कल्पना है। भारत सनातन धर्म का हस्ताक्षर बने। आचार्य शंकर के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करता हूँ, अनुसरण करता हूँ। आचार्य शंकर को अपना आदर्श मानता हूँ, जिनको अपना आदर्श मानकर स्वामी विवेकानंद कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो विद्यार्थियों, हम सभी के लिए ये बहुत ही सुखद क्षण था। आप सभी की तन मन को निश्चित रूप से संस्कारित करने का एक कार्यक्रम था, जिसमें अग्रज योगेंद्र जी ने इसका मुझे एक प्रकार की अनुग्रह किया, और उनकी अनुग्रह का प्रतिफल है कि आज हमारे बीच में नवग्रह का हंस श्रीमान हंसराज चौधरी भी विराजमान है। साथ में हमारे पास अब उन्होंने जो शेर शायरी करी ओझा साहब ने, साहब वास्तव में मैं इतनी साहित्य पढ़ रहा हूँ लेकिन आपकी शेर शायरी की हम आसपास भी नहीं जा पाए, जैसे हनुमान जी के पास में भूत प्रेत नहीं जा पाते हैं, ऐसी आपकी शेर शायरी की बातें थी। और सहजता सरलता की माँ सरस्वती की प्रतिमूर्ति मीणा मैम, आपने हमें समय दिया, हमारी अल्प आग्रह पर हमारे महाविद्यालय में पधारे। हमने लगभग 15-20 दिन पहले ही ये प्लान बना लिया था, लेकिन आज जाकर इसका मूर्त रूप हुआ, आज साकार हुआ। आप सभी अतिथियों का मैं हृदय की गहराइयों से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए टेलर साहब और राहुल जी ने जो मेहनत करी, मैं आप सभी को इस मंच से तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ। अतिथियों को देने के लिए हमारे पास विशेष कुछ नहीं है, उपनिषद से कुछ बातें हैं जो स्वस्ति वाचन है। आप सभी के कल्याण के लिए मैं आचार्य राघवेंद्र शास्त्री को निवेदन करता हूँ, स्वस्ति वाचन से कार्यक्रम का समापन करें। आचार्य राघवेंद्र, एक बार सभी भगवान श्री राम की जयकार लगाएंगे। जय जय सियाराम, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, अभी गाना सब, दोनों हाथ एक बार ऊपर उठा लीजिए आकाश में, क्योंकि धर्मराज यमराजपुर ऊपर की ओर ही है। 2964 किलोमीटर प्रतिदिन मरने के बाद चलेंगे, जब 13 महीने में वहां पहुंचेंगे। जय जय सियाराम। अब हाथ नीचे कर। नर नहीं वह जंतु है जिस नर को धर्म का भान नहीं, व्यर्थ है वह जीवन जिसमें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं। पुनः निवेदन कर रहा हूं शंकरसन जी। नर नहीं वह जंतु है जिस नर को धर्म का ज्ञान नहीं,
व्यर्थ है वह जीवन जिसमें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं। चांदी के चंद टुकड़ों पर अपनी जिंदगी बेचने वालों, मुर्दा है वह देश जहां पर अतिथि संतों गुरुजनों का सम्मान नहीं। अब आप सभी सोच रहे हो कि अकत्री बजे तो यहां थोड़ी तो बजा था कहीं को ना। स्वस्ति वचन, आप सभी हाथ जोड़कर हमारे पधारे हुए अतिथियों को आप साधुवाद प्रदान कीजिए और मैं स्वस्ति वचन उद्धृत करता हूं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारकशो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ भयः पृथिव्यां भय औषधीकुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मर्यां मा। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः, स्नपत्रेस्तो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवो शिवैष्णवावसि विष्णवे त्वाः। ॐ जोः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तेः सर्वघ्नं शान्तेः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पंक्ति सुनाई थी, क्षमा चाहता हूं, पूरी कविता सुनाई थी, उसमें से सुंदरकांड की जहां बात आई उसमें सुंदरकांड का 57वां दोहा है। जब प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे 3 दिन तक बैठ करके समुद्र से याचना कर रहे हैं कि मुझे मार्ग दो श्रीलंका में जाने का, तब 3 दिन भी जब नहीं सुने, लक्ष्मण जी तो पहले ही बोल रहे थे, मैं कह रहा हूं पहले दिन में काम करता, शायद 3 दिन लेट होना, 3 दिन में तो आगे पहुंचेंगे वहां। नहीं, भगवान मर्यादा के संरक्षक हैं, उन्होंने कभी मर्यादा से आगे बढ़कर कोई कार्य नहीं किया, तो मर्यादा में रहकर के 3 दिन फिर भी विनय न मानत जलधि जड़ा। जलधि कहते समुद्र को, और जड़ बन गया, विनय नहीं मानी प्रभु की। विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय भी न हो ये न प्रीति। इसलिए कभी कभी प्रेम पाने के लिए भय दिखाना भी बहुत जरूरी है। अगर अभी हाथ नहीं उठाया तो सबके हाथ किसी के यूं और किसी के यूं हो जाएंगे। उठा लो एक बार, जय जय सियाराम, सर्वे जना कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप अपने घर में बदल रहे आज के आनंद की